बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। अब देखें यहाँ 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, और 36 को लिख सकते हैं हम 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2 आ गया, ये 3/1 आ गया, ये 1/3 आ गया, और ये 6 स्क्वायर है तो ये 6 स्क्वायर आ गया, इसको 1/1 कर देते हैं, और ये 1/2 आ गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से आ गया हमारे पास 6। आंसर हमारे पास आ गया 12। अच्छा, वो तो आपको पता है अगर पावर टू पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ए क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, यानी 8/6। इसी तरह अगर यहाँ 8 क्यूब है और हमारे पास डिवाइड में 8+2 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये प्लस सी ऐसे रहेगा, ऊपर ले जाने में साइन चेंज हो जाती है, -2 हो जाता है, और फिर हम ऐड करेंगे तो 3 − 2 = 8/1 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई होने में पावर ऐड होती हैं, जैसा कि हमें मालूम है। अब जैसे यहाँ है कि अगर 8³ × 8² होगा तो सेम बेस है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3+2 = 8/5। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है ये आसान एक्सरसाइज है, ये 64 − 1/6। अच्छा, अब 64 क्या है, अब देखें 64 को हम इसका अगर प्राइम फैक्टर निकाल लें तो 2 से करेंगे 32 आ गया, फिर 2 से किया हमने 16 आ गया, फिर 2 से किया हमने 8 आ गया, फिर हमने 2 से किया 4 आ गया, फिर हमने 2 से किया 2 आ गया, फिर 2 से किया 1 आ गया, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब है 64 को 2/6 लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, हम 64 की जगह 2/6 लिख दिया, और -1/6 है, तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये हो गया मैं 2, इसको 6/1 समझ लें, और ये −1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2−1 आ गई। इसको अगर हम नीचे लिखेंगे तो 1/1, क्योंकि प्लस साइन के साथ लिखते हैं तो ये +1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा 256/x² और पावर हाफ। अच्छा, अब हम 256 है, अब इसमें जो है हम इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 256 क्या हो जाएगा, 256 जो है हमें पता है वो कि 16 का स्क्वायर होता है, तो 256 जो है किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 16 ये 16 का स्क्वायर, और ये आ गया एक्स का स्क्वायर, तो हम इसको कंबाइन करके लिख दें तो 16/x का ये स्क्वायर आ गया, 16/x का ये स्क्वायर आ गया हमारे पास, अच्छा अब पावर टू पावर, इसे पावर हाफ है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 16/2 × 1/2, और यहाँ आ गया हमारे पास ये x² / 1/2, और यहाँ पे हम पावर हाफ भी लिख देते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पे, तो वैसे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा 16 बच गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास एक्स बच गया, और ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है, 81, ये समझ लेते हैं तुम्हारा, x-8
जी फोर पावर 1/4। अच्छा, देखिए जब पावर 1/4 तो हम इसको करें 81 को हम क्या ले सकते हैं, 81 जो है हमारे पास ये आपका 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, बल्कि हम पावर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 81 जो है 9 3 पावर 4 हो गया। तो हम यहाँ लिख दें 3 पावर 4 एक्स। अच्छा यहाँ क्या है, अब हम यहाँ -8 ऐसे रहने देते हैं, 3 पावर 4 ऐसे रहने देते हैं, और ये हमारे पास पावर जो है, ये पावर हमारे पास 1/4 है। अच्छा अब क्या होगा, अब इसको हम अलग अलग कर लें, तो ये आ गया हमारे पास 3 पावर 4 की पावर 1/4 और एक्स -8 पावर 1/4 और 0/4 की पावर 1/4। अच्छा अब ये हमारा पावर टू पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो गई 3 4/4 एक्स हो गया -8/4 और जी हो गया हमारा 4/4। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 आ गया, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ एक्स 4 2 था, -2 आ गई, ये 1 से कट गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम माइनस पावर नहीं लिखते तो इसको हम नीचे लिख लेंगे, तो ये 3 नीचे पावर इसकी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये जी, या 3 जी एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये है 27 पावर 2n/3 (8)-n/3 और 18 पावर -n/2। अच्छा आप इसको हम 27 क्या ले सकते हैं, हम 27 को 3 का क्यूब ले सकते हैं, तो ये पावर होगा यहाँ पास 2n/3, इसमें 8 को हम 2/3 ले सकते हैं, ये आ गई -n/3। अच्छा 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 18 कह सकते हैं कि 2 9 3, तो 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, वो होते हैं 2 × 3 स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 18 की जगह 2 × 3 स्क्वायर और इसकी पावर आ गई -n/2। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यह आ गया 3 पावर क्या आ गई 3 × 2n/3, 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गए हमारे पास 2/3 × -n/3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2, हमारे पास यहाँ पावर 1 है तो ये -n/2 आ गया, और यहाँ पास 3 और पावर -n/2, तो ये हमारे पास ये 3 स्क्वायर ही, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ से देखें, यहाँ से कैंसिल हो गया तो 3 पावर हमारे पास आ गई 2n, अब यहाँ 3 कैंसिल हो गया तो इसलिए 2 की पावर आ गई हमारे पास -n, और यहाँ पे 2 की पावर -n/2, और यहाँ हमारे पास कैंसिल हो चुका है 3 की पावर -n। अच्छा अब क्या करें, हम अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, ये 3 पावर 2n है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 पावर n हो जाएगा, और इसी तरह से अगर इसको हम नीचे ले आए तो ये 2 की पावर -n/2 है, और ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगी पावर n। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये 3 पावर 2n+n, तो ये बन गया हमारा 3 पावर 2n।
अच्छा अब यहाँ देखें, अब हम यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें ये 3 पावर 2 n ऊपर आ चुका है, नीचे हम ये करेंगे कि यहाँ पे बस 2 है, ये -2n/2 है और ये हम n/1 लिख लें, तो यहाँ हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका 2 और यहाँ एलसीएम आ गया बस 2 और ये -n और ये आप आ जाएगा 2n, तो ये हमारे पास आ गया 3 पावर 2 n ऊपर है। अच्छा यहाँ क्या आ गया, अब देखें हमारे पास यहाँ आ गया 2 और ये 2n है और ये -n है, तो ये रह गया n/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम की तरफ, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये देखें ये जो है इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी आज मैं बना नहीं सकता क्योंकि मैं उसे 15 मिनट का अलाउ हो रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।